नवादा में 6 सितंबर 2021 को 12 सूत्री मांगों को लेकर 7 सितंबर से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल के समर्थन में शहर में बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ शाखा नवादा के नेतृत्व में नगर भवन से हड़ताल मार्च निकालकर शहर के प्रमुख मार्ग होते हुए प्रजातंत्र चौक पर पहुंचकर सभा में बदल गई। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कॉमरेड अरविंद दास ने की। सभा को संबोधित करते हुए बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ शाखा नवादा के प्रभारी कॉमरेड भोला राम ने कहा, 16 वर्षों से भाजपा जदयू की सरकार है और नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री के कुर्सी संभाल रहे हैं और इन्हीं भाजपा के ने संस्थानों को बेचने लगे हैं। 10 वर्षों से या अधिक समय से काम करने वाले लोग हैं जो पूर्ण रूपेण दलित व पिछड़ा वर्ग से आते हैं, लेकिन नियमित करने के बजाय आउटसोर्सिंग जैसे प्रथा को जन्म देकर ठेकेदारों के हाथों गुलाम बनाने में लगे हैं। उन्होंने कहा, कल से राज्यव्यापी हड़ताल अपनी मांगों को लेकर है और सरकार को विवश करेगी। मौके पर अशोक कुमार, ईश्वरी दास, राम भजू दास, इंदु डोमेन, अनीता डोमेन, द्वारिका दास के अलावा बड़ी संख्या में सभी सफाई कर्मी शामिल थे। रंजीत कुमार की रिपोर्ट।